नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल भगवान लोक पर दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों किसी भी दिन घर के चावल के डिब्बे में डाल देना ये गुप्त चीज माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा और बन जाओगे आप करोड़पति आपकी आने वाली सात पीढ़ी भी करेंगे पैसों पर राज दोस्तों यदि आपके घर में लगातार खर्चे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं आप मेहनत करते आप परिश्रम करते हैं परंतु फिर भी आपकी जेब में एक भी रुपया नहीं रुकता है आपके जीवन में बेफिजुल खर्ची बढ़ती चली जा रही है आपके जीवन में आप यह देख रहे हैं कि धन आने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं तो दोस्तों आज इस वीडियो को अंत तक बिना भगाए देखना इस वीडियो में हम आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उपाय द्वारा चावल के डिब्बे में वह गुप्त चीज डालने के लिए बताने जा रहे हैं जिसको यदि आप सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार डाल देते हैं न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी परेशानी कष्ट और समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी बल्कि आपके बंद धन के ताले को चाबी लग जाएगी एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों भगवान भोलेनाथ किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का काल साक्षात्कार भी आकर के कुछ नहीं बिगाड़ सकता है तो इसीलिए तुरंत ही जाइए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय हर हर महादेव और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप चावल के डिब्बे में सही मुहूर्त पर विधि विधान से वह गुप्त चीज डाल देते हैं जिसके बारे में हम वीडियो में बताने जा रहे हैं तो यकीन मानिए न केवल आपका बल्कि आपके पूरे परिवार भाग्य बदल जाएगा आपके जीवन में आपको आपके राहु और केतु का इस तरह से साथ मिलेगा जिसके पश्चात आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी और आपके जीवन में कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी दोस्तों ये वीडियो बहुत ही जरूरी वीडियो आप ही के लिए नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए है क्योंकि चावल का डिब्बा तो हर घर में होता है बस इसका उपाय कैसे है ये आप लोगों को नहीं पता होगा और ज्योतिष शास्त्र में चावल के डिब्बे को लेकर के पूरे तीन अध्याय लिखे हुए हैं क्योंकि दोस्तों चावल हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र समझा जाता है और कहा जाता है कि चावल का उपाय करके आप साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद हासिल कर सकते हैं जिसके पश्चात आपके जीवन में धन की वर्षा तो होगी ही होगी फिर आपको धन की कमी नहीं होगी इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहे माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में इतना धन आए कि आपको धन की कमी ना हो तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ जाइए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी जी की और यदि आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों हमारे सनातन धर्म में चावल को बहुत ही पवित्र समझा गया है कहा जाता है कि माता लक्ष्मी जी हों भगवान विष्णु जी हों भगवान बजरंगबली हो या भगवान शंकर हो इनकी पूजा में चावल का उपाय किया जाए तो वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है और उस पूजा का हमको करके करोड़ों गुना लाभ मिलता है जो चावल ना हो उस चावल को अक्षत बोला जाता है और जो अक्षत चावल होता है वो माता लक्ष्मी जी का स्वरूप समझा जाता है कहा जाता है कि यदि माता लक्ष्मी जी की पूजा में अक्षत का उपाय ना किया जाए तो वो पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है और यदि माता लक्ष्मी जी की पूजा में या भगवान विष्णु जी की पूजा में अक्षत का उपाय किया जाए तो वो पूजा का पलट करके हमको गुणा लाभ मिलता है इस वीडियो में हम आपको साधारण से के उन उपायों के बारे में बताने आ रहे हैं जो यदि आप सही दिन पर सही मुहूर्त पर क्रिया अनुसार कर लेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों आपके जीवन की जन्म जन्मांतर की गरीबी परेशानी कष्ट समस्याओं से तो आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी यदि आपने चावल के डिब्बे में सही मुहूर्त पर वह चीज डाल दी जिसके बारे में शिव पुराण में लिखा हुआ है ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है दोस्तों यकीन मानिए आप ही के नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा इसीलिए दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि लक्ष्मी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें बहुत ही आगे जाएं माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी जी की ओर एक काम कीजिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिस उपाय को किसी भी दिन करके कोई भी आप लाभ पा सकते हैं वो आके कॉमेंट के रिप्लाई में बता देंगे परंतु आपसे निवेदन था वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा देखिए सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं वो है बेफिजूल खर्चे से बचने का महा उपाय यदि आप ये कि आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची बढ़ गई है आप जो मेहनत परेशान से पैसा कमा करके लाते हैं वो आपके पास टिकता नहीं है बेफिजूल उड़ जाता है तो आपको क्या करना है किसी भी शुक्रवार के दिन ये उपाय कर लीजिए अब शुक्रवार के दिन ही शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी का दिन शुक्रवार के दिन यदि आप ये उपाय सही मुहूर्त पर करते हैं जैसा हम आपको जीवन से बेफिजुल खर्ची पूरी तरह से बंद हो जाएगी आपके जीवन में जो धन आएगा वो रुकेगा भी टिकेगा भी उसमें वृद्धि भी होगी आपको क्या करना है कुछ चीजें आपको चाहिए होंगी जैसे एक कटोरी लीजिए कटोरी कौन सी चांदी की कटोरी होनी चाहिए अब मान लीजिए चांदी की कटोरी आपके पास आप ले सकते हैं तब आप पीतल की कटोरी लाइए उसमें रखिए आप एक मुट्ठी एक मुट्ठी चावल के ऊपर आपको छिड़कना है हल्दी हल्दी छिड़क दिया आपने एक रुपए का सिक्का रखिए इस चावल पर और आपको रखना है एक सुपारी आप शुक्रवार की शाम को यह उपाय आपको करना है तो सूर्यास्त के पश्चात नहाइए धोइए लाल कपड़े पहनिए लाल कपड़े पहनने के पश्चात ये कटोरी लीजिए माता लक्ष्मी जी की कला चित्र में सामने ले जाइए माता लक्ष्मी जी का आपको यहाँ पर बीज मंत्र बोलना होगा बीज मंत्र इस तरह से है ए यू एम महालक्ष्मी नम हम फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों ए यू एम महालक्ष्मी इस बीज मंत्र का जाप 21 करना है फिर माता लक्ष्मी जी के सामने आपको एक घी का दीपक जलाना है अब ये जो आपने कटोरी में चावल एक रुपए का सिक्का और सुपारी रखी है इसको पूरा आप लाल कपड़े से बांध लीजिए और बांधते वक्त आपको मौली धागे का प्रयोग करना है बस इतना कीजिए अब ये कटोरी ले जाइए अपने उस कमरे में रखिए जहां पर आप ज्यादा समय बिताते हैं केवल इतना कीजिए और मान के चलिए माता लक्ष्मी जी की कृपा से और आशीर्वाद से आपके जीवन की बेफिजूल खर्ची रुक जाएगी आपके जीवन में धान सारे रास्ते खुल जाएंगे और आपको फिर धन की कमी नहीं होगी दूसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों वो एक ऐसा उपाय है यदि आपने लगातार तीन सोमवार कर लिया सही क्रिया अनुसार तो मान के चलिए दोस्तों भगवान शंकर जी के आशीर्वाद से आप ही के नहीं आपके पूरे परिवार के जीवन में धन की वर्षा होगी आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी अब आपको ये तीन सोमवार उपाय करना है अब सोमवार का ही दिन क्यों दोस्तों का दिन जो होता है वो भगवान शंकर जी को समर्पित होता है आपको पहले सोमवार को सुबह उठना है नहाना है धोना है सफेद कपड़े पहनने हैं सफेद ही कपड़े क्यों भगवान शंकर जी को सफेद रंग बहुत प्रिय है उनकी पूजा में सफेद रंग का प्रयोग किया जाए वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है सफेद रंग के आपने कपड़े पहन लिए एक का लौटा लीजिए तांबे के लोटे में गंगा जल भर लीजिए गंगा जल भी 20-25 रुपए का मार्केट में मिल जाएगा अब इसी गंगाजल में आपको एक सौ आठ चावल के दाने डालने हैं यही चावल के के पश्चात भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए शिवलिंग के पास जाइए मूत्र की तरफ कीजिए और एक लोटे जल से शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं और यहां पर आपको खड़े खड़े एक सौ आठ बार भगवान भोलेनाथ का बीज मंत्र बोलना है बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए श्री शिवाय नमस्तु भी हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों श्री शिवाय नमस्तु भ्रम ये बीज मंत्र का जाप कम से कम आपको एक हजार आठ बार करना होगा इस बीच जाप कीजिए घर पर आ जाइए तीन सोमवार यह उपाय कर लीजिए और मान के चलिए भगवान शिव शंकर के आशीर्वाद से आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी आपके ही नहीं आपके पूरे परिवार के जीवन में धन की वर्षा होगी और अब दोस्तों मान लीजिए आपने कोई कर्जा लिया हुआ है उस कर्ज के बोझ में आप लोग दबते हुए चले जा रहे हैं आपके ऊपर कर्ज का ऐसा है जिसके वजह से आप बड़ा परेशान हैं आपका नींद नहीं आती आपको खाना रुक गया आपका और आप इस चीज को लेकर के बहुत तनाव में चले गए हैं तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा कभी भी जीवन में कोई भी संकट आए हमेशा हनुमान जी के चरणों में जाइए क्योंकि हनुमान जी महाराज एक संकट मोचन देवता हैं और किसी व्यक्ति के जीवन में यदि संकट है और वो व्यक्ति यदि हनुमान जी के चरणों में जाता है हनुमान जी महाराज उस व्यक्ति के सारे संकट को हल देते हैं यह उपाय जो हम आपको बताना है यह उपाय कीजिए जो भी कर्ज की समस्या आपके जीवन में होगी वह समस्या खत्म हो जाएगी और आपका कर्ज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा आइए उपाय केवल एक आपको करना है किसी भी मंगलवार के दिन सुबह उठिए नहाइए धोइए लाल कपड़ा पहनिए लाल रंग क्यों हनुमान जी महाराज को लाल रंग बहुत प्रिय है आपको बस लेना है दोस्तों एक सरसों के तेल का दीपक दो लौंग आपको लेना है एक सफेद कपड़ा उसमें रखना है आपको एक मुट्ठी चावल और उस सफेद कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है पोटली बनाते वक्त मौली धागे का प्रयोग कीजिए हनुमान जी के मंदिर जाइए हनुमान जी के मंदिर गए आप अपने चमेली का का दीपक जलाइए उसमें दो लौंग डाल दीजिए जो पोटली है इस पोटली को हाथ में पकड़िए हनुमान जी के दाएं चरण से छुआइए आप दाएं चरण से छुआने के पश्चात हनुमान जी के मंत्र बोलिए बीज मंत्र इस तरह से ओम हनुमते नम हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों ओम हनुमते नमः इस बीज मंत्र का जाप 108 बार कीजिए और ये पोटली लाइए अपनी अलमारी या तिजोरी में रख दीजिए केवल इतना उपाय यदि आपने एक मंगलवार के दिन कर लिया हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका मंगल ग्रह इतना मजबूत हो जाएगा जिसके पश्चात आपके ऊपर जो भी कर्ज की समस्या होगी वो कर्ज की समस्या खत्म हो जाएगी और चलिए दोस्तों आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा इसी तरीके से आप जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों वह उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा कभी भी आपको धन की कमी ना हो तो बस एक शुक्रवार को यह उपाय कीजिए जो आपको हम बताने वाले हैं किसी भी शुक्रवार के दिन नहाइए धोइए सूर्यास्त के पश्चात आपको माता लक्ष्मी जी की कला चित्र के सामने बैठना है एक लाल कपड़ा बिछाइए उस पर यह कुछ रखिए एक लौंग एक मुट्ठी चावल इक्यावन काली मिर्च और तीन कपूर हम फिर से रिपीट करते थे दोस्तों एक लौंग एक मुट्ठी चावल इक्यावन काली मिर्च और तीन कपूर इस कपड़े की आप पोटली बना लीजिए अब माता लक्ष्मी जी की कला चित्र के सामने आपको एक घी का दीपक जलाना है घी का दीपक जलाइए इस पोटली को हाथ में पकड़िए और माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र 21 बार बोलिए माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र हम फिर से रिपीट करते हैं रोज दोस्तों इस बीज मंत्र का जाप 21 बार कीजिए और इस पोटली को अपनी अलमारी में तिजोरी में रख दिए आप व्यापारी है तो व्यापारी स्थान पर रख दीजिए जहां से पैसे का लेन देन करते हैं और यकीन मानिए आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के